राहुल जी के साथ आप सब लोग चले हैं। कांग्रेस से प्यार करने वाली सभी तेलंगाना की जनता, कांग्रेस के विचारों की तेलंगाना की जनता, जिस सभी भाई बहन को साथ में लेके चलने वाली कांग्रेस, वो मजबूती के साथ आगे आना चाहिए और इसका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे नेता राहुल जी गांधी। हमारे अध्यक्ष जी खारगे साहब जी ने कहा है, जिस तरीके से राहुल जी को दबाने की बात हो रही है, पूरे अधिवेशन के आप सभी जानते हैं, पूरे जिस तरीके से राहुल जी के ऊपर उसको धमकाने की कोशिश, उनको डराने की कोशिश लगातार करना शुरू किया है, लेकिन राहुल जी ने पहले ही संदेश दिया है सभी कार्यकर्ताओं को, डरो मत, मैं डरने वाला नहीं हूं। यह संदेश सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राहुल जी गांधी ने दिया है। कितने भी डराने की धमकाने की कोशिश इन्होंने अगर की तो राहुल जी डरने वाले नहीं है। आज बीजेपी तिल मिला गई है, उनको पता है कि 2024 में कांग्रेस पार्टी केंद्र में सत्ता में आएगी और राज्य में भी सत्ता में आएगी। और जिस तरीके से तेलंगाना में हमारे सभी नेता, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम भी हमें जो दिया था राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, कि हाथ से हाथ जोड़े कार्यक्रम दिया था, वो देश में सबसे अच्छा कहीं पर हो रहा होगा, पहले नंबर पे तो तेलंगाना है, आप सभी कार्यकर्ता उसमें शामिल है। सभी को मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो भी कार्यक्रम हमें दिए जाते हैं वो पूरी ताकत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं। मैं जो देख रहा हूं कि जो कार्यकर्ता एक साथ होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, हमसे कामयाबी दूर नहीं है। हम जरूर देश में भी राहुल गांधी जी को वहां पे प्राइम मिनिस्टर बिठाएंगे, ये हमारा नारा है। और राज्य में भी कांग्रेस पार्टी आएंगी, पूरे जोर शोर से ताकत के साथ आएंगी, मेजोरिटी में कांग्रेस पार्टी यहां पे आएगी। इसलिए आपको अपने अपने क्षेत्र में हाथ जोड़ो यात्रा रहोगे। राहुल जी के ऊपर जिस तरीके से बात पार्लियामेंट में हुई है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी और आरएसएस लगान उनके खिलाफ साजिश कर रही है, वो लोगों तक, घर घर तक हमको पहुंचाना है।